सलाम वालेकुम। तो भाई ये माशाल्लाह गुड़ क्या है साहब, किताब दी है आपने, गुड़ तो बड़े अच्छे रखे हैं। पाँच छः क्वालिटी पड़ी हुई है इसके अंदर, जो है मेरे पास पिशावरी गुड़ भी है, देसी गुड़ भी है, और इसके अलावा शक्कर देसी गुड़ है, शक्कर भी है, देसी गुड़ भी है, देसी शक्कर भी है, ब्राउन शुगर भी है, और बहुत सारी मुख्तलिफ वैरायटी है सर। मेरे गुड़ के फवायद तो बताया जो आप माशाल्लाह। ये सर ये वाला जो गुड़ है ये रिफाइन किया हुआ होता है सोडा केमिकल से, और ये जो गुड़ है इसका इस्तेमाल ये है कि आप इसके गुड़ के चावल बना लो, सूजी का हलवा बना लो, और क्या कहते हैं उसको, गुड़ की लई वगैरह बना लो, गुलगुले बना लो, ऐसी चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल में आता है। हाँ, और ये देसी गुड़ है मेरे पास, ये देसी गुड़ जो है ये अपना पंजाब साइड का देसी गुड़ होता है, इसमें सोडा केमिकल नहीं होता। ये वाला जो जी जी, ये इसके अंदर सोडा केमिकल नहीं होता, ये लोग खाते हैं बलगम रेशे के लिए, डस्ट वगैरह के लिए, और वैसे ये गर्मियों में अमूमन लोग इसका शरबत बनाते हैं, शरबत के इस्तेमाल में आते हैं, ठंडा होता है जिगर के लिए, ठंडा जिगर मैदे के लिए ठंडा होता है, इसका शरबत बहुत मुफीद होता है। ये सर्दियों से ज्यादा हमारे पास गर्मियों में चलते हैं। अच्छा, गर्मियों में इसका चलने का फायदा ये है कि लोग इसका शरबत बनाकर पीते हैं, शरबत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और तमाम लोग जितने भी है ना माशाल्लाह सुनने वाले, उनको भी यही मशवरा दूंगा, जैसे मिसाल के तौर पर रमजान शरीफ के महीने में लोग सेहरी और अफतारी में इसको घर में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारा रोज़ा ठंडा है, इसका शरबत बहुत ठंडा होता है। रमजान करीब है, रमजान करीब है, इंशाल्लाह आप आए मेरे पास, मेरे पास गुड़ भी होता है, और गुड़ की शक्कर भी होती है, और सत्तू वगैरह भी होता है, जौ का सत्तू भी होता है, और उसके अलावा चने का सत्तू भी होता है। अच्छा, पिशावरी गुड़ भी है आपके पास? पिशावरी गुड़ है, ये पिशावर का गुड़ होता है, ये चाय वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कावे वगैरह के लिए चाय में इस्तेमाल, कावे वाला, ग्रीन टी वाला, ये वाला ये काला गुड़ होता है, काला गुड़ मरदान चार सदा का होता है, सबसे ज्यादा गर्म ताकतवर गुड़ होता है ये। अच्छा, ये वाला जी, ये गुड़ इसका शरबत भी लोग बना, सबसे ज्यादा शरबत इस गुड़ का बनता है, मरदान में हमने बहुत शरबत किया है, शरबत इसका आप चले जाएं पीआईटीसी की तरफ, चले जाएं पठानों के इलाके माशाल्लाह, बनारस चले जाएं, शेरशाह चले जाएं, वहाँ तकरीबन जितनी भी गुड़ की रेड़ियाँ लगती हैं गुड़ की शरबत में, वो आपको तो मलंगा डाल के इसका शरबत बना के पिलाएगा, इसका शरबत बहुत अच्छा होता है। ये इस हवाले से, गर्मी के हवाले से तमाम नाजरीन को बोलूंगा, ये नहीं कि मेरे पास गुड़ सर्दी में खरीदने आओ, आप गर्मी में भी आओ, उसके बहुत सारे फायदे हैं, आप इसको जो है ना शरबत बना के पियो, और आप खुद भी पियो और बच्चों को भी। अच्छा, ये आपने बताया ये मरदान चार सदे का, ये मरदान चार सदे का गुड़ है, ये पिशावरी, ये पिशावरी गुड़ के नाम से जाना जाता है, ये पंजाब का देसी गुड़ है जनाब। और उसके अलावा मेरे पास ये चीज़ है, ये ब्राउन शुगर कहते हैं इसको, ठीक है, ये शुगर वाले और डाइट वाले दोनों पेशेंट यूज करते हैं, और ये अंजाद वगैरह बड़े बड़े सुपर मॉलों में, बड़े बड़े स्टोरों पे ये बहुत महंगी बिकती है। आप मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह 161 kg मिलेगी इसका, जो मेरे पास पुराना रेट है वही रेट पे आज भी चला रहा हूँ, इसके कोई रेट बढ़े हुए नहीं है। और मेरे तमाम जितने भी नाजरिक सुनने वाले सबको ये कहूँगा कि एक बार मेरे पास आए, इस्तेमाल करें गुड़, खाएँ, दूसरे दोस्तों को भी बताओ, अच्छा लगे दोबारा आओ। जो गुड़ है ये जो रिफाइंड किया हुआ है, ठीक है, इस गुड़ का जो है 141 kg रेट है, और इसका देसी जो ओरिजिनल गुड़ देसी पंजाब का 161 kg है, ठीक है। और आपको मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि जितने भी गुड़ हैं इसमें देसी गुड़ लोग यहाँ पे अमूमन बहुत सारे गुड़ वाले हैं देसी गुड़ के नाम से बोल रहे हैं जी ये देसी गुड़ नहीं, हर गुड़ देसी गुड़ नहीं होता है, ये पंजाब के साइड पे ये देसी गुड़ की किस्म पाई जाती है, और इसके अंदर देसी गन्ने की खास किस्म होती है जिससे ये गुड़ बनता है, ठीक है। और जितने बड़े हैं देखो अब ये देसी गुड़ नहीं है, ठीक है, ये चार सदा मरदान के नाम से ही पहचाना जाएगा। नहीं तो ये देसी गुड़ नहीं है तो ये दूसरे बनते कैसे, ये भी तो ये भी गन्ने से ही बनते हैं, लेकिन गन्ने की एक शाम होती है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अंडे देसी और फार्मी अंडा, अंडे की एक शाम है देसी अंडा फार्मी अंडा, इसीलिए गुड़ के गन्ने की एक शाम है देसी गन्ना जिसका ये गुड़ तैयार होता है, ठीक है। और हम माशाल्लाह पुराने, हम मैं बेसिकली खुद पंजाब का रहने वाला हूँ, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजों के बारे में इलम है, और हम लोगों ने बनाया भी है ये गुड़। अच्छा, ये तो हो गया पंजाब का, ये क्या किलो है? ये 161 kg है। अच्छा, ये वाला भी 161 kg है, ठीक है, ये भी पंजाब का, ये भी पंजाब का, ये थोड़ा सा सख्त होता है, करंची गुड़ कहलाता है, और ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। अच्छा, और ये मरदान चार सदा वाला जो इसको चॉकलेटी गुड़ भी कहलाया है, ये क्या हिसाब है? ये ग्रीन टी के साथ वैसे सर्दियों में मुन लोग खाते हैं, और गर्मियों में इसका लोग शरबत बनाते हैं। ये क्या किलो? ये 181 kg है, ये प्योर एक नंबर क्वालिटी, इसके अंदर चीनी वगैरह मिक्सिंग नहीं है किसी चीज़। और ये वाला? और ये वाला ये चाय के लिए अमूमन इस्तेमाल होता है। क्या किलो? 181 kg, 180 रुपए किलो सर ये वाला, और ये 160 रुपए किलो सर, ये 140 रुपए। और शक्कर के साथ? और ये ब्राउन शुगर है, ये भी 160 रुपए किलो, और ये गुड़ की शक्कर है जनाब, देसी शक्कर के नाम से पहचानी जाती है, सत्तू में इस्तेमाल होती है, ये बच्चे पराठे से नाश्ते में खाते हैं इसको, और उसके अलावा ये आप
चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहरी में लोग इसको पराठे में असली घी के अंदर, जैसे कि आपने कहावत सुनी है आपके मुंह में घी शक्कर, ये वो शक्कर है। अच्छा, आपके मुंह में घी शक्कर, ये उसके इसके साथ मिसाल भी बड़े बुजुर्गों ने दी है। क्या किलो दिए? ये 161 kg 160 रुपए की एक किलो। और मेरे जितने भी तमाम नाज़रीन सुनने वाले हैं, इंशाल्लाह आपको मेरे पास मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, मेरा नंबर बता दे आपको, अपना नंबर बता रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, मेरे पास आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। नंबर बताए, ये मेरा फोन नंबर है, मेरा एड्रेस इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर भी लिखा हुआ है, इसके साथ चैनल के साथ आप मुझे हर चैनल पर रिसर्च कर सकते हैं।